सुबह का दिन। वैसे बहुत ज़्यादा सुबह हो गई है अभी, बहुत लेट हो गया एक्चुअली आज। गुड मॉर्निंग बहुत लेट हुई है, मतलब उठता मैं बहुत जल्दी गई थी लेकिन आज एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया। आज मेरे बेटे के स्कूल में चिल्ड्रन डे सेलिब्रेशन था तो उसको आज प्रिंस बना के भेजना था, मैं दिखा भी नहीं पाई, उसने पिक भी निकलेक्ट करने दी मुझे। एनीवेज अभी सुबह हो गई है बहुत ज़्यादा, 10 बज चुके हैं और मैं अभी थोड़ा फटाफट से काम करके एकदम वही रोज का रूटीन। बस आज जो है भैया ये लड़ियाँ निकाल देंगे, मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ रायपुर कुछ काम से और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने हेयर बैंड पहना है, हेयर बैंड पहनना मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं रायपुर जाऊंगी, थोड़ा मुझे काम है वहाँ पे, कुछ सामान लेना है। और कहाँ जाऊंगी मैं दिखाती हूँ आपको, मैं कहाँ जा रही हूँ। मूंगफली खाया और बाकी फिर मैं वहीं से अपने बेटे को भी लेके आ जाऊंगी स्कूल से, उसकी आज 1 बजे छुट्टी होगी, मतलब 1:15 बजे तक से उसको लेके आ जाऊँ अपने साथ। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको, अभी मैं पहले निकलती हूँ, बस 2 मिनट में मैं निकल रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वहाँ मिलती हूँ। गाइस मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड वर्षा के घर में इसको एग देने, वो अभी कैमरे में नहीं आएगी मुझे पता है। एग दे दिए मैंने उसे, पर मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ इसलिए मैं फटाफट जा रही हूँ अभी रायपुर, तब मिलती हूँ मैं आपको। कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी दोस्त वर्षा। दोस्त आ जाओ ना रश्मि, आओ यार। एक शर्मा रही है, ये लोग ब्लॉगिंग में ब्लॉग बनाने के लिए शर्मा रही है। रश्मि, ये है भारती, ये है आंटी, ये अब ये है आंटी, मेरा बेटा। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ एक्चुअली। नहीं, सुबह से मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, आई थिंक जुकाम हो रहा है, मेरे वॉइस से भी आप पहचान सकते हो। तो हम लोग एक्चुअली मार्केट की तरफ जा रहे थे, यानी कज़न है जो, उसको शॉपिंग करनी थी, उसकी बड़ी जो सिस्टर है उनकी शादी है दिसंबर में, तो उसके लिए कुछ शॉप करना था उसे, तो वो मुझे फोर्सफुली उठा के लेके जा रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत शूट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा सा फ्रेश एयर भी मिल जाएगा, सी हवा तो अच्छी चल रही है। और ये है मेरी कज़न जो कि बिज़ी है अपने पिक्चर्स क्लिक करने में। तो ये हम आ गए सरोजनी नगर और भीड़ देखो गाइस, इतना रश था वहाँ पे, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। शूट नहीं कर पाई वहाँ पे बिकॉज ऑफ द भीड़ गाइस। इसने इतना शॉपिंग कर लिया कि सरोजनी मार्केट उठा लिया है, अब मैं घर जाके इसी से खरीद लूंगी। मेरा ही नहीं है इसमें, ये सब इसी का है। देखिए गाइस, ये जो छोटी छोटी धनिया लगी हुई है ये आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, इतने सस्ते मिल रहे थे ना कपड़े, बट इट गुड फॉर दोज यू नो जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और विंटर है तो उनको भी ज़रूरत पड़ती है, तो इट्स रियली गुड फॉर देम। देखिए किस तरीके से कपड़े मिल रहे हैं, और इतना रश था ना गाइस मार्केट में, तो मैं बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं कर पाई, बट आई प्रॉमिस यू दैट मैं वहाँ जाके एक बार शूट जरूर करूँगी, अच्छे से पूरा हॉल करूँगी। मैं दिन में जाऊँगी, दिन में आई थिंक उतना रश नहीं होता है, हम थोड़ा आफ्टरनून में गए थे तो मुझे काफ़ी रश मिला था, और मे बी बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल्स वहाँ पर रश हुआ था। सो नेक्स्ट टाइम आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ पर एक अच्छा सा वीडियो हॉल दूँ मैं आपको सरोजनी नगर का। So till then, see ya! Hey friends, तो मैं वापस आ गई अपने क्लास से, तो मैं आ चुकी थी और मेरा डिनर भी बन चुका है। यहाँ से देखिए, अभी हमने लड़ियाँ नहीं निकाली एक्चुअली, मसूरी बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप देख सकते हो तो मैं दिखाती हूँ बेटा, मैं
दिखना ही दिख रहा। एनीवेज तो फिर चलिए, मैं तो अब जा रही हूँ इसको खाना, मेरे बेबी ने खाना खा लिया है, अब मैं खाना खाती हूँ फटाफट से और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना पढ़ाई करूँगी। आज बहुत टाइम से पढ़ाई नहीं करी, अब एग्ज़ाम है मेरे, तो फिर मिलती हूँ फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विच इज सोल सिस्टर्स। बाय बाय।